वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेट अस स्टार्ट. लास्ट टर्म पे वी हैव स्टार्टेड एपी, है ना. लास्ट टर्म पे वी हैव स्टार्टेड एपी. एपी में थोड़ा जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोग लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था, ताकि आगे का कनेक्शन हमारा सेट हो जाए. अभी डीपीटी हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल लास्ट टर्म का पार्ट थोड़ा सा बच गया था. ओके, मुस्तकबिल 4.0, यस, क्लासरूम लेक्चर, वी हैव एपी. मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था, आप थोड़ा लेट हो गया था इंटरव्यू के से, लेकिन मैंने रात में अपलोड कर दिया था ना. आज मैं तुरंत कर दूंगा, आज मैं क्लास के बाद फ्री, इसके बाद एक और क्लास, उसके बाद मैं फ्री हूं, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा. नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन, शुरू करते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने शुरुआत किया था यहीं से, और एपी के बारे में जाना था बहुत जल्दी से, क्योंकि हम लोगों ने एपी शुरुआत किया था, एपी का ओवरव्यू लिया था. दिस नॉट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, पर फिर भी आपके आगे 11 12 में बहुत काम आता है, इसलिए एपी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. एमयू जामे में इतने सवाल आते हैं, इतने सारे टॉपिक हम लोग फिनिश करने वाले एपी के अंदर, और उसके आगे हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक एपी ना पढ़ते हुए हम लोगों ने सिक्वेंस शुरू किया था. कि सिक्वेंस किसे कहते हैं? कहता है सिक्वेंस भी नंबर का अरेंजमेंट है जिसमें एक फॉर्मूला चलेगा, एक रूल चलेगा. वो फॉर्मूला रूल को क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं या इनेट टर्म बोलते हैं. और वो जो पैटर्न निकल के आता है उस फॉर्मूले को गवर्न करते हुए सिर्फ हम सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, अच्छा, सीक्वेंस में जो वेरियस नंबर्स आ रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं. अगर इन्हीं टर्म्स को बीच में प्लस लगा करके लिख देंगे तो क्या सीरीज बन जाएगा. और प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो ये भी सिक्वेंसेज है, लेकिन कुछ फिक्स वाले. कौन से फिक्स वाले? अगर सेम सेम नंबर बार बार जोड़ा जाए क्या बनेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सेम सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई किया जाए क्या बनेगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आप नंबर को रेसिप्रोकल लेंगे तो अगर वो एपी बन जाए तो क्या बनेगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. दैट्स व्हाई हमने देखा था कि जितने भी प्रोग्रेशन है सबके सब सीक्वेंस होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. उसके बाद एक जादू मंत्र वाला ट्रिक देखा था, उससे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात किया था. अगर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है क्या हम काउंटिंग कर सकते हैं? तो फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर नहीं काउंट कर सकते हैं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस. K4 ट्रिक कल मैं सेव करना रह गया, वैसे आप लोग ऑलरेडी K4 ट्रिक आज अप्लाई भी करेंगे एक सवाल के अंदर. तो K4 ट्रिक मैंने सिखाया था अपना. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. फिर हमने आपको डिफिनेशन बताया था एपी कहते किसको है, है ना. अगर सेम सेम नंबर बार बार हम जोड़ते जा रहे हैं तो जो हमें सीक्वेंस मिलता है उसको हम एपी बोलते हैं. पहला टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दूसरे टर्म को नहीं, जो बार बार नंबर ऐड कर रहे उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस ऑलवेज अगला माइनस, एंड द डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस. करो सवाल शुरू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है. दिख रही आ रही है ना? यस सर आ रही है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी? इफ यस देन फाइंड इट्स डी. उसको कॉमन डिफरेंस बताइए, देन फाइंड इट्स टी. स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही भाई? स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन की कभी भी इशू हो क्लास को एग्जिट करे और दोबारा ज्वाइन करे. ओके सर, दोबारा एग्जिट करके ज्वाइन किए तो एक और ऑप्शन है. फिर यही ऑप्शन है, फिर मेरे को स्क्रीन हटा करके दोबारा लगाना पड़ता. देखो आ गया आप? यस सर. देखा, मेरे को इलाज पता है ना सब चीज का. चल जल्दी जल्दी बताते रहेंगे आप लोग ना. चिल्लाने का नहीं है आपको, बस तैयार रखो यस और नो. ठीक है, चिल्लाने का बिल्कुल नहीं है. ऑनलाइन वाले बच्चे माइक ऑफ रखेंगे और ना चैट सेक्शन बिल्कुल एक्टिव रखेंगे. एक साथ सब कर लो, उसके बाद लिख देना इनमें से कौन कौन सा है. ठीक है, और अगर है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस भी बताने का है. जी 73 एनसीईआरटी का सवाल है.
अस्सलाम वालेकुम सर। बस हम जो लेट से आए सलाम चैट सेक्शन में डाला कर, हमने सलाम सबका ले लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वाले लोग तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग भी चैट में डाला कर, ठीक है, वरना मैं स्टार्टिंग में आपका माइक हमें ऑफ कर दिया। अच्छा ये रूल बताना भूल गया था ना, मैंने क्या बोला था, आप चुपचाप आओ, चुपचाप से बैठ जाओ। एक तो लेट आकर दिखा रहे हम लेट आए, वाह शेर लोग। रूट टू है, थ्री प्लस रूट टू, फिर थ्री प्लस टू रूट टू होगा, रूट टू होगा, ये भी रूट टू है भाई, थ्री प्लस रूट टू है, लिखने में गलती हुई है, भावनाओं को समझेंगे। हाँ वो रूट टू है, एनसीईआरटी का सवाल। ये आयोटा है आई, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको आता हो अच्छी बात है। एक मिनट का टाइम है बस, क्योंकि आप उतारते भी जा रहे हैं करते भी जा रहे हैं, 10 तक पहुंच गया बच्चा, देखो आगे बैठा हुआ, आपको भी जल्दी जल्दी कर सकते, एक मिनट में बच जाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे हमेशा माइक ऑफ रखेंगे, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो इधर बच्चों का हो भी गया, डन, जैसे हुआ करें ना ऑफलाइन वाले हैंड रेस कर दिया करें, और ऑनलाइन वाले जब भी कोई भी सवाल मैं कराओ चैट सेक्शन में जवाब देते रहो, ताकि लगे कि आप भी कर रहे हैं। इसमें से कौन कौन सा आपके हिसाब से लगता है एपी है, ठीक है, अभी चेक करते हैं। आइए फर्स्ट स्लाइड है, यासिर फर्स्ट स्लाइड, क्या बात है, अदनान ने जवाब दे दिया ऑनलाइन में, गुड। एक एक करके जवाब नहीं देने का बात, बस लिख दो ये एपी है। टाइम अप हो गया, जल्दी करो, हो गया ना, हो गया। लास्ट के दो नहीं हो पाएंगे, ये दो आउट ऑफ सिलेबस का है, मैं अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा फिर आपसे करवाऊंगा, है ना, 13 तक तो बन जाने चाहिए। ये आई आई क्या आई आपको पता नहीं, आते शुरुआत करते हैं, 4-6-4 फिर क्या आ रहा है, बिल्कुल अगला वाला सॉरी उससे अगला वाला उसके बारे में क्या बोलेगा है, ये 2√2 लिखा हुआ है ना, ये लिखा है 3√2, ये लिखा है 4√2, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा थोड़ा स्क्वायर रूट का अच्छा होना चाहिए, कैसे 32 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, अब ये पेयर से 4 बाहर निकल जाएगा तो 4√2 लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, ये पेयर से बाहर निकल जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, बच्चों को स्क्वायर रूट में सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, दैट्स व्हाई दे कैन सी माय लेक्चर ऑन यूट्यूब नैपस्ट्रिक पे, अभी से देखो वैसे मैं पढ़ाऊंगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस, उसमें ये सब बातें सिखाया फिलहाल आसान बनाने के लिए आपको, ऐसा समझो रूट टू एक आम की तरह है ना, दो आम में से एक आम चला गया कितना आम, तीन आम में से दो आम चला गया कितना आम, चार आम में से दो तीन आम चला गया कितना आम, हर बार आम की संख्या बराबर तो हो गया ना एपीआर, कॉमन डिफरेंस कितना रूट टू। चलो अगला क्या बोलते पब्लिक, ये 1 लिखा, ये 3 लिखा,
ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, बिल्कुल ये एपी है, कॉमन डिफरेंस 2। मैं 1, 3, 5, 7 लिख सकता था, लेकिन मैं ऐसे लिखा हूं। अब मैं क्या लिखा हूं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये चीज, एनसीईआरटी का सवाल। अगले के बारे में क्या बोलते पब्लिक? यस इट इज, यस कॉमन डिफरेंस कितना है? 24। अब जिसने भी ये 4 सवाल सही किया, एमयू 11th एंट्रेंस का 2013 का एक सवाल सॉल्व, आज तक मात्र एक ही सवाल आया था ऐसा, वो आपने सॉल्व कर लिया। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 3 यस है और ऊपर वाला हो गया सवाल सॉल्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्या बोलते हैं? यस और नो? यस। कितने लोग बोलते हैं यस? कितने लोग बोलते हैं यस? यस। नो सर। नो सर। अरे माइक ऑफ रखो सर ने बोला। कितने लोग बोलते हैं यस? नो सर। कितने लोग यस वाले? ऑनलाइन वाले बच्चे हैंड रेस करेंगे? अरे नवाब सर का खुराफात तो देखो, लास्ट में 6। हम लोग आदत बनाए हुए हैं कि पहले 2-3 चेक करो और जिंदगी के मजे ले लो। नवाब सर के खुराफात, पहले खुराफात से आप लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या था? आप सब ने देखा 5-5-5। यस, याद रखेंगे, चाहो तो जिसको नहीं पता नोट करके लिख लेंगे। जितने टर्म दे रखे हैं सबको चेक करने का, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दिस नॉट एन एपी। अगला माइनस पिछला रूट टू आया, अगला माइनस पिछला रूट टू, ये भी रूट टू। यस इट इज विद कॉमन डिफरेंस। चलो अगला के बारे में क्या बोलती पब्लिक? यस कॉमन डिफरेंस 0। अगला के बारे में ये, अब मेरे खुराफात शुरू है यहां से 4। सोच समझ के देंगे जवाब। 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, 2 के पावर 8, 2 के पावर 11। पावर जो है वो एपी में है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू एपी में नहीं। रूट के अंदर टर्म एपी में है, लेकिन ओवरऑल वो एपी में नहीं है। अपॉन में एपी में है, लेकिन वो एपी में नहीं है। ये क्या सर? ये तो यस, ये 9 के पावर 1/2 का मतलब सुन लो आप, nth रूट ऑफ a जो है, nth रूट ऑफ a, ये सर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक्स की चीजें हैं। nth रूट ऑफ a कैन बी रिटन एज a के पावर 1/n। तो 1/2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 9, 1/3 का मतलब हुआ क्यूब रूट ऑफ 27, 4th रूट ऑफ 81। ये भी 3 के बराबर, ये भी 3 के बराबर, ये भी 3 के बराबर, और ये तो 3 दे ही रखा। That's why ये सब 3 लिखा है, कॉमन डिफरेंस 0। यस इट इज विद कॉमन डिफरेंस 0। कितनों का अभी तक सारे सही? मतलब नवाब सर के सवाल में ढेर हो गया है, आसान सवाल था। यहाँ पे सबके सही होने चाहिए, क्योंकि बस आपसे मैंने ये पूछा एपी क्या होता है, जो पढ़ा हमने उसको रिवीजन किया, ठीक है? चलो कोई नहीं, अभी आपको समझ में आएगा नवाब सर के लेवल कैसे चलते हैं। ये बताना मेरे को यहाँ पे सर आयोटा क्या है, आयोटा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो दुनिया कहती है ये रियल नंबर नहीं है, ये अनरियल नंबर है, जिसका दूसरा नाम इमेजिनरी नंबर है। ये आउट ऑफ सिलेबस की चीज पढ़ रहे हैं। ओके सर, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए रूट का -5 मैंने बोला, तो आप इसको लिख सकते हैं √-1 × √5। अब दुनिया बार बार रूट माइनस वन आता था, या रूट का -4 आया, उसको लिख सकते √-1 × √4, और √4 को लिख दिया 2। तो दुनिया ने इस √-1 को बोला आयोटा, जिसको आई स्मॉल आई से दिखाते हैं। तो √-1 को आयोटा बोला, तो 2 आयोटा लिख सकते हैं, और इसको √5 आयोटा लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को आयोटा के टर्म्स में लिखते हैं। तो मैं आपसे बेसिकली पढ़ाना चाह रहा था, दिस इज ऑर्डर सिलेबस। ये कि एक अगला पेज पे एक नोट आने वाला स्लाइड में, जहां पे आपकी बात समझ में आ जाएगी कि आयोटा जो है क्या इमेजिनरी नंबर्स भी एपी फॉर्म कर सकते हैं। तो आप बताना क्या ये एपी होगा कि नहीं होगा? होगा। 2 आम में से 1 आम चला गया तो आयोटा आया, 3 आयोटा में से 2 आयोटा चला गया आयोटा आया, 4 आयोटा में से 3 आयोटा चला गया तो आयोटा आया। हर बार सेम नंबर आया मतलब एपी है। यस इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस आयोटा। एक मिनट, एक छोटा सा पार्ट कहां पे ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते। क्या बोलता है पब्लिक? पब्लिक ये बोलती है, चलो बच्चों सब जानते हो आयोटा √-1 के बराबर, ठीक है ना? आयोटा √-1 के बराबर, तो जरा बताओ तो आयोटा स्क्वायर कितने के बराबर? गड़बड़ा गए। -1 स्क्वायर करने से रूट गायब होगा, अंदर वाला स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, तो दिस विल बी -1। चलो आयोटा का क्यूब बताओ,
माइनस आयोटा। देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर भी कितने के बराबर था, माइनस वन के, और इंटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज इमेजिनरी। आयोटा स्क्वायर रियल है, माइनस वन इज अ रियल नंबर, लेकिन आयोटा क्यूब रियल? व्हाट अबाउट आयोटा के पावर फोर? ये तो मैं आपसे चाहूंगा, वन, गुड, वन, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस वन इंटू माइनस वन, द रिजल्ट इज। अब आप लोगों से ये सवाल बताओ, ये एपी में है या नहीं है? पक्का नहीं है? देखो अगला माइनस पिछला, ये अनरियल है रियल है, सॉरी ये रियल है अनरियल, फिर ये अनरियल और रियल, तो सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो ये एपी में नहीं आएगा। क्लियर है? Hence, this is not an, अब उतार लो जो चीज उतार, ये थोड़ा एडिशनल मैंने पढ़ाया नोट, ये एडिशनल नोट को ख्याल रखते हुए और ये वाली बात को ख्याल रखते हुए। जल्दी से, एक मिनट का टाइम है, जो जो बात जिससे सही हुए हैं जल्दी से उतार ले, आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं, आयोटा वाला कॉन्सेप्ट उतारना है आप लोगों को ना, आयोटा रूट ऑफ माइनस वन को हम लोग आयोटा बोलते हैं, तो आयोटा इज इनडायरेक्टली व्हाट, रूट ऑफ माइनस वन, ये साइड कहीं कोपचे में लिखो बस। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव जो होता है वो अनरियल होता है, तो क्यूब रूट के अंदर निगेटिव आ सकता है क्या? और क्यूब रूट के अंदर निगेटिव रियल होगा या अनरियल होगा? रियल। क्यूब रूट के अंदर निगेटिव रियल होगा, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव अनरियल होगा। देखो एग्जांपल, एग्जांपल रूट ऑफ माइनस एट, रूट ऑफ माइनस एट का क्यूब रूट ऑफ माइनस एट, क्या इसको लिख सकते हो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू का क्यूब रूट, तीन का पेयर बना बाहर क्या निकलेगा, माइनस टू रियल नंबर है, ये रियल अनरियल, तो क्यूब रूट में निगेटिव चल सकता है, स्क्वायर रूट में निगेटिव, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हम लोग, पहले इसमें कुछ चीजें एनालाइज करते हैं। एनालिसिस सेज, आप ये बताओ बच्चों, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आया निगेटिव आया कोई समय आ सकता है ना, कल को हमने देखा था। अच्छा, क्या वो कभी जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल, यही अगले पेज पे मैंने लिखा है। कॉमन डिफरेंस ना तीन तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, उतारना नहीं है पहले समझ लो, उतारने का वक्त दूंगा मैं। पॉजिटिव हो सकता है तो उसको इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, निगेटिव होगा तो उसको हम कॉन्स्टेंट एपी बोलते हैं, और अगर डिक्रीजिंग एपी होगा तो उसको हम बोलेंगे, मतलब डी निगेटिव होगा तो वो डिक्रीजिंग एपी होगा, उसके वैल्यूज जो होंगे वो घट रहे होंगे, मानते हैं ना? ठीक है, बस इसी बात को मैंने लिखा है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इनफैक्ट कॉमन डिफरेंस इज रियल, रियल मतलब रेशनल भी हो सकता है, और तो यार ये बात तो हमें ऐसे ही समझ में आ रही है सर, कॉमन डिफरेंस देखो ये रूट टू क्या है, इरेशनल, और टू क्या है, तो बस पॉजिटिव निगेटिव तो अपने आप आ गया, ठीक है। ये सारी बातों को हम बाद में अपने नंबर सिस्टम के अंदर सीखेंगे, ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप जब तक इसको उतार, ठीक है, आप उतारे दो लाइन को उतारे, ले जा, मैंने कर दिया एक गलत ब्लंडर, नहीं चलेगा, मैंने कर दिया डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड करने से क्या हुआ पता, ये पूरा क्वेश्चन चला गया, कोई नहीं, वैसे आप लोगों ने उतार लिया था ना, क्योंकि मैं जब नोट्स आप जब अपलोड करूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ऐसा ना, अभी मैं उसको ऊपर पढ़ा के आया हूँ सेम चीज, अरे सेम चीज पढ़ा के आया ना, तो उस बैच का अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, चलेगा? बिल्कुल, सेम चीज तो पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको पढ़ाऊंगा, फिर दूसरा बैच में एक और में पढ़ाना सेम चीज, तो ये सब उतारना नहीं था, बस उतारना आपको जो छोड़ रहा हूँ वही उतारने का, बस बड़ा कर रहा हूँ एक मिनट बस।
ये लीजिए। तो दो नोट हमने देखा भाई, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से एपी को तीन तरह से बांटा गया। दूसरा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, इनका कॉमन डिफरेंस रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का फॉर्म भी ले सकता है। डन, ऑनलाइन वाले बच्चे डन करते जाएंगे साथ साथ जैसे आपका कंप्लीट हो जाया करे। अभी आ रहा हूँ यासिर, आ रहा हूँ, मुझे पता है तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना डीपीटी का, वो अभी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, अभी 15 पढ़ेंगे ना, उसके बाद आएंगे डीपीटी में भी। आ जाए नेक्स्ट। डन, जो ऑनलाइन वाले ने तो लिख लिया। इसने कर लिया तो आगे, इसने उतार लिया तो मैं समझ जाऊंगा सबने उतार लिया, उतार दिया। अगले पेज पे जरा नोट को समझने की कोशिश करना, क्या कहता है नोट, क्या कहता है, तीन नंबर एपी में है तो यार अगला माइनस पिछला और अगला माइनस पिछला, बी माइनस ए और सी माइनस बी बराबर होगा। बी बी एक तरफ लिया, ए एक तरफ लिया, तो ए प्लस सी हो गया, बी और बी एड होकर टू बी हो गया। तो वॉट वी गेट, टू को नीचे डिवाइड कर लिया तो बी को लिख सकते हैं ए प्लस सी अपॉन टू। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तीन नंबरों का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करने का है, आप सिर्फ अगर एपी में है तीनों नंबर तो कह रहा ना पहला और आखिरी को जोड़ दो और दो से डिवाइड कर दो, उसका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो हम जैसे एग्जांपल के तौर पे तीन चार पांच, समझना बस, एपी में है, मैं आपको अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज पढ़े होंगे ना स्टैट्स में, एवरेज एवरेज निकालने के लिए बोल रहा हूं। एक बड़ा प्यारा सा नोट आप सीख रहे हो, 500 रुपए का नोट, क्या कहता है, तीन चार एपी में है तो जो बीच वाला नंबर होता है ना वही पूरे का एवरेज होता है। तो आप देखो जोड़ के देखो, तीन चार सात, सात पांच बारह पॉइंट तीन, अभी सर सही बोल रहे हैं, हम का चार सही ना। तो आप ऐसे करके निकालते, आप अगर नंबर एपी में है, अगर नंबर एपी में है तो बीच वाला उसका एवरेज, और अगर नंबर तीन नंबर दे रखा हो, तीन नंबर दे रखा हो, अगर वो बीच वाला उसका एवरेज आ रहा है, सुन लो, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, बीच वाला तीन नंबरों का एवरेज आ रहा है तो पक्का तीनों नंबर एपी में है। सर आप इस इक्वेशन बेस्ड आप क्वेश्चन दिए थे टीपीटी में, सब पे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन उसी पे होंगे जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सब पे अगर क्वेश्चन कराते बेटा तो आते नवंबर वाले बैच में, नवंबर वाले बैच में तबा तोड़ 25-22 टेस्ट ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, और कितने सवाल कराए वो आप अनगिनत, कोई नवंबर वाले बैच का दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आप सोचोगे अच्छा अगर आप आते हैं बेदार बैच में, 10th फाउंडेशन के बैच में, आप एक्सपेक्ट करो कि 9 10th उनको दोनों पढ़ाया, कितनी डीपीटीज मैंने ली हूं, आपको 27 से 28 डीपीटी मिलेंगी, बात इतने लेक्चर होंगे हमारे मैथ्स के, कितनी डीपीटीज लिया होगा उनको, 103 डीपीटीज लिए हैं खाली 10th फाउंडेशन के बैच के, और साइंस में कितनी डीपीटी हुई होंगी, 162-163 खाली साइंस की डीपीटीज हुई, और वो कौन पूरे साल हमसे पढ़ते हैं बच्चे। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे हर टॉपिक पे सवाल, नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं हर टॉपिक पे, तो समझो आप एग्जांपल, मैंने क्या बोला 5, 10, 15 इसका एवरेज निकालोगे कितना आ रहा है, देखो बीच वाला है एपी, अभी तो आपने बताया एपी होगा तो एवरेज क्या आएगा, बीच वाला है, और कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर तीन नंबरों का एवरेज बीच वाला आ रहा है तो पक्का तीनों नंबर किसमें है। क्या ये बात चार नंबरों के लिए भी ट्रू है क्या, देखते हैं। चार नंबर अगर एपी में है तो ये आप जानो, ये माइनस ये किया बी माइनस ए और सी माइनस डी किया यानी डी माइनस सी किया, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, माइनस उधर ले गया ये माइनस उधर ले गया तो क्या बना, बी प्लस सी और ए प्लस डी। क्या हम कोने कोने वाले को एक्सट्रीम टर्म बोल सकते हैं, एक्सट्रीम में पड़ा हुआ कोने में पड़ा हुआ, और क्या हम बीच वाले को मिड टर्म बोल सकते हैं। तो एक बहुत प्यारी बात निकल के आई, अगर चार नंबर एपी में है तो उनका पहले और आखिरी का सम बीच वाले सम के बराबर होता है, सही, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जहां पे ऐसा हो रहा है कि पहले और आखिरी को जोड़ दिया और बीच वाले दोनों को जोड़ दिया बराबर आ गया तो एपी है। लो तुम्हारे सामने नीचे एग्जांपल, 1, 5, 10, 14 एक और 14 किया कितना आया, और 5 और 10 कितना किया, देखना क्या ये एपी में आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस 4 एपी में,
तो सर एक बात तो फिर अगर एपी में होता है तो ये बात होती है, लेकिन अगर ये बात हो रही है तो एपी में वो जरूर हो या ना हो जरूरी नहीं। ये सॉल्व ये कॉन्सेप्ट है यार, ये रह गया। ये पहला सवाल बता रहे यहाँ पे क्या था, पहला सवाल फोर कुछ करके कुछ था, फोर फोर सिक्स सिक्सटीन और 22। आप चेक करो अगर ये दोनों का सम कितना रहा, 26, इन दोनों का सम कितना रहा, अरे बराबर है ही नहीं तो पक्का ये एपी में सही है, लेकिन अगर बराबर हो भी जाता तो जरूरी था कि वो एपी में होता, नहीं होता, नहीं आ रहा तो पक्का नहीं है, लेकिन आ भी रहा तो चेक करना पड़ेगा बिकॉज कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलो उतारो आप जल्दी सब, एग्जाम्पल उतारने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोट नंबर थ्री, नोट नंबर फोर, 500 500 और इजाफा हो गया तो चार नोट में 400 2000 रुपया सबको उधार, 500 रुपये का सब नोट है भाई, भाई सब वसूलूंगा एंट्रेंस वाले दिन 21 मई को और 13 मई को जामिया में। अगर इस नोट पे सवाल आया और करके नहीं आए सब मेरे को वापस करोगे ओरिजिनल नोट, ऐसे वाला नोट नहीं लूंगा मैं फिर। अब कर लिया तो आओ हम देंगे तुम्हें प्राइस, जितना जमा हुआ 20-25 हजार रुपये जमा हो जाता है नोट, इतने नोट लिखवा देंगे 20-25 हजार उधारी भाई, लैपटॉप के फॉर्म में गिफ्ट देता हूं। तो जिसने भी नोट और क्लासरूम का पार्ट को बहुत सीरियसली लिया पक्का सिलेक्ट, भाई मैं स्टार्टिंग के डेज से आपको बता रहा हूं, क्लास नोट्स क्लास एक भी नहीं छूटनी चाहिए, क्लास में जो सिखाया जा रहा है सब पढ़ते रहो, डीपीटीज एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, संडे टेस्ट के साथ उसका डिस्कशन एकदम मत छोड़ना, ये तो करने का ही करने का, ठीक है। देखो आप बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू जरूर लिखेंगे आप, है ना, कि उल्टा भी ऐसा हो एकदम सही नहीं है, उसका नहीं है मेरे पास साखना आईएमओ एनएसओ साइंस वाला नहीं है, मैं ढूंढूंगा एक बार ढूंढ रहा था, अगर मिल जाता तो मैं अपलोड कर दूं। जिसको भी एडिशनल जो जो आपके रिसोर्स सेक्शन में डाले गए चीजें, आपको इतने टाइम देने के बाद भी टाइम बच रहा है एडिशनल, सबसे पहले क्या फोकस करो, सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट किताबों में, एनसीईआरटी बूस्टर बिल्कुल लास्ट में, एनसीईआरटी अगर टाइम बचे एनसीईआरटी की झलक दिखला जा, झलक दिखला जा एक बार, आ जा ठीक है, तो एनसीईआरटी का झलक देखते रहो रोजाना, ठीक डन, ऑनलाइन वाले डन 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 करते रहेंगे आप। यासिर पूछ रहा सर बूस्टर से क्वेश्चन आता है, ये पक्का कल वाला सेशन नहीं किया इसने, या फिर ये बात तो क्लियर हो गया कि तुमने कल वाला सेशन नहीं किया है, क्योंकि कल हमने देखा कि बूस्टर से कितने सवाल आते हैं, सर लेट से ज्वाइन किए थे बस, अल्लाह हाफिज, दोबारा रिकॉर्डिंग देखो जी, नहीं एग्जांपल दिया तीन के लिए ऐसा है, चार के लिए ऐसा है, पांच के लिए भी नए नए रूल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अक्सर आपको देखना एनसीईआरटी में या तो तीन टर्म देगा या तो चार टर्म देगा और बोलेगा बताओ एपी में है या नहीं, तो मैंने आपको इनडायरेक्टली एक ट्रिक दे दिया, तीन नंबर अगर एपी में चेक करना तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, मेरे को चेक करना था 10 15 और 25 एपी में है या नहीं है, ये मैं ट्रिक से चेक कर सकता हूं, आप देखो क्या बीच वाला एवरेज आ रहा है, क्या इन दोनों का सम अपॉन 2 किया बीच वाला आ रहा है तो एपी में नहीं है, चेक करके देखो एपी में सच में नहीं आ, ठीक है ना, आ जाए नेक्स्ट पेज पे चलो, किसमें एनफोर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, मतलब ये बात सिंपल, आपको ये नोट दिया हुआ है नोट ही डायरेक्ट पूछ सकता है, या आपने अभी मैंने कहा कि आपने जो सवाल दे रखा है इसको नोट नंबर 4 से भी किया जा सकता है, ठीक है अभी आपको दिखाऊंगा डीपीटी में। हाँ भाई नोट नंबर 5 बड़ा मजेदार है, इस पे सवाल भी आ चुका है, नोट नंबर 5 को समझने की कोशिश करेंगे, नोट नंबर नहीं 5 मैंने 6 पे आया, 5 नंबर को जरा समझना, 5 आसान, 3, 7, 11, 15, 19 चार का कॉमन डिफरेंस में एक एपी, इसको एपी को उलट दिया रिवर्स कर दिया, कहता है ये भी एपी में रहेगा लेकिन कॉमन डिफरेंस अब माइनस हो जाएगा, तो कहता है अगर हम एपी के टर्म को रिवर्स करते हैं तो वो भी एपी में रहता है विद निगेटिव ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस जो पुराना था उसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है अगला भी समझ लो, पहले एक एपी दे रखा है 2, 5, 8, 11 कॉमन डिफरेंस कितना है 3, मेरा दिल किया मैं सारे टर्म में 2-2 जोड़ दूं क्या बनेगा 4, 7, 10, 13 और इसका भी कॉमन डिफरेंस 3 ही आ रहा है, मतलब अगर हम एपी के सब टर्म में सेम टर्म जोड़ दें
रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन विद सेम कॉमन डिफरेंस. अगर मैं सब में घटा दू माइनस टू, जीरो, तीन, छह, ग्यारह, कॉमन डिफरेंस तीन. सब में दो दो मल्टीप्लाई कर दू, कॉमन डिफरेंस भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेक करके देख लो. और सब में दो दो से डिवाइड कर दू, कॉमन डिफरेंस भी दो से. बस इस पूरी बात को मैंने अंग्रेजी है ना हॉलीवुड वर्जन में यहां लिख रखा है. क्या कहता है? इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर. एक मास्टर अभी ऊपर एक बच्चा बोला, सर जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो का सब जीरो. लेकिन ये बताने वाली बात, क्या जीरो 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 एक एपी है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस जीरो है. लेकिन अगर हम जीरो से डिवाइड कर दे तो कहानी नॉट डिफाइंड. इसीलिए यहाँ पे मैंने वर्ड बहुत प्यारा से लिखा है कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, जीरो को छोड़ करके मल्टीप्लाई करना. ठीक है, अच्छा जीरो ऐड करके क्या फायदा, और जीरो सब्ट्रैक्ट करके क्या फायदा? ठीक है, तो देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी विद कॉमन डिफरेंस. समझेंगे, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड करने पे छापो. ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, नोट्स बहुत सारे थे इसमें, दैट्स व्हाई मैं ऐसे लिख रहा हूं. अभी बस हम लोग ना एएन पढ़ेंगे, एएन का टॉपिक, और फिर देखना तुम कितना शानदार तरह से एएन वाला सवाल सॉल्व करोगे. ठीक है यासिर, अपलोड कर दूंगा, बूस्टर की लिंक डाल दूंगा. मैंने ट्रू गाइड की लिंक दे रखा है, इनफैक्ट एक लिंक ऐसा है, ट्रू गाइड और बूस्टर एक साथ आप मंगा सकते हैं. ना ना अभी नहीं, लोग पुराने वाला, मैंने आप लोगों से वादा किया है ना, जो पुराने बूस्टर खरीद रहे हैं उनको मैं 2022 का सॉल्यूशन और एनालिसिस अपने तरफ से प्रोवाइड कर दूंगा. तो जिसको भी अगर मिल रहा है मार्केट से, तो जिसको अभी से लगता है कि नहीं मेरे को करना बूस्टर, करो, मेरे तरफ से एतराज नहीं है, लेकिन हम तो करवाने ही वाले हैं. तो अभी आपको ना फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी, जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास नोट्स टीपीटीज आरटीस हमारे से अगर कर रहे हो तो करो, ये सब पे फोकस करो. बूस्टर करने का सही वक्त मैंने बता रखा है कब है, बस. इन पे कैसे सवाल आएंगे आज डीपीटी पे दिखा देंगे. अभी डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10 अभी दिख जाए. इन दोनों को मिक्स करके एक सवाल बनाया था, मेरा खुराफात था, वो दिखाऊंगा अभी डीपीटी के अंदर. डीपीटी हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में डिस्कस किया करेंगे, लेकिन टॉपिक रह गया था लास्ट टाइम पे, दैट्स व्हाई मैं ना ऐसे, और मुझे लग रहा है आज भी टॉपिक रह जाएगा क्योंकि ऊपर तो रह गया. देखते हैं आप लोगों में क्या होता है. ऐसे विचारों की रोजे चल रहे हैं, पढ़ेंगे सबको एक साथ लेके चलना. अभी M6 में क्लास लेके आया, फिर आपके M4 में, फिर मेरा M5 में क्लास है, फिर शाम में क्लास है. और एक और आवश्यक सूचना, लास्ट बैच हम लोग बनाने जा रहे हैं, दैट इज M7, ऑलरेडी एडमिशन 17-18 उसमें हो चुके हैं. अगर आपका कोई दोस्त सगा संबंधी उस बैच में जुड़ना चाहता है तो जुड़ जाए, इसके बाद कोई बैच हम लोग लेकर नहीं आ रहे. 29th of March, 29 मार्च से बैच है, बहुत लोग इंतजार में, 1 अप्रैल का बैच ज्वाइन करेंगे, शायद 1 अप्रैल तक आते तो वो बैच फुल हो जाए. तो अगर आपका कोई दोस्त सगा संबंधी जुड़ना चाहे उसको जल्दी जुड़ा दें. ऑनलाइन में भी सेम गोज, ऑनलाइन में भी एडमिशन क्लोज हो जाएगा वो जल्दी, क्योंकि हमारा प्लान एक बार में हम 4 तरह से तैयार करेंगे, तो चौथा तरीका तैयार करने के लिए टाइम होना चाहिए ना यार. इसलिए हम लोग गिनती के गुने चुने बैच बनाओ, उस पर जम के मेहनत करो. एक बढ़ जाए बच्चा, मैं इसको डिक्टेट कर दूं, लिखो. इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज एडेड, If each term of an AP is added, क्योंकि writing तो doctor वाली है, is added, if each term of an AP is added, comma, subtracted, comma, multiplied, or divided, example उतारने की जरूरत नहीं, तो अपनी तरफ से आप example ले सकते थे, सिर्फ note उतारने का था, or divided by a non-zero constant number k. by a non-zero constant number k, then the resulting sequence is also an AP. Then the resulting sequence is also an AP with common difference as follows.
then the resulting sequence is also an AP with common difference as follows. Plus minus में same रहता, कोई change. Multiplication में multiply हो जाता, division में divide. आजा next page पे दोस्तों, इसका additional चीजें हटा दो, क्योंकि मैं notes upload कर दूंगा आप लोगों वैसे. आते next page पे. Now let's move to the next page. इस पेज में बड़ा प्यारा सा ज्ञान दिया गया. क्या ज्ञान है, जरा समझना ज्ञान को अच्छे से. ये कहता है कि अगर ये एपी है 2, 5, 8, 11 कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा, चेक करके देखो. एक दूसरा एपी है जिसमें 3, 7, 11, 15 आ रही है, कॉमन डिफरेंस 4. मैंने इसके करस्पॉन्डिंग टर्म यानी पोजीशन के हिसाब से टर्म को जोड़ दिया. 3 और 2 5, 5 और 7 12, 8 11 19, 11 15 26. देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, और जोड़ने से भी 7 आ रहा. मतलब अगर दो एपी को हम जोड़ दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी रहता है और कॉमन डिफरेंस भी. अगर दोनों को घटा दें, दिस माइनस दिस कर ले तो 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4 आ गया एपी. कॉमन डिफरेंस भी घट गया 4 माइनस 3. अच्छा चलो मल्टीप्लाई कर दो, 6 आएगा, 35 आएगा, 88 आएगा, एपी में नहीं मिलेंगे. डिवाइड कर दो तो नहीं मिलेंगे. और बिल्कुल अगर मल्टीप्लीकेशन के साथ नहीं हुआ ना, तो डिवीजन के साथ भी बहुत रेयर है कि होगा, बहुत रेयर. एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो रहा है तो पक्का, अगर एडिशन में हुआ है तो सब्ट्रैक्शन में भी होगा. बिकॉज आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन इज बेसिकली डिवीजन इज एन अनदर वे ऑफ मल्टीप्लाई. नहीं पता है, एग्जाम्पल दू, 5/4 को 5 × 1/4 भी लिख दो, इंडायरेक्टली मल्टीप्लाई कर. सब्ट्रैक्शन इज अनदर वे ऑफ एडिंग. कैसे, 5 सब्ट्रैक्टेड टू 4 लिखा हुआ है, आप इसको 5 एडेड टू -4. इसलिए यहाँ पे रूल जो प्लस माइनस के लिए आ रहा है वो सेम गोज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए. तो नोट सेज व्हाट, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ईच टर्म ऑफ यहाँ पे वर्ड आता 2, आप करेक्ट कर लेना, 2 एपीज हैविंग कॉमन डिफरेंस d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी विद कॉमन डिफरेंस. ऐड में ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है मल्टीप्लिकेशन और, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. जल्दी से सिर्फ नोट उतारो, एग्जांपल उतारे ना उतारे तो चलेगा. मैं डिक्टेट कर देता हूं, सब सुन लिया ना. इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ईच टर्म ऑफ टू एपीज having common difference d1 and d2, having common difference d1 and d2 respectively then the resulting sequence is also an AP, then the resulting sequence is also an AP with common difference d1 plus d2 and d1 minus d2 respectively. ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. कंसेक्यूटिव टर्म आना चाहिए बिल्कुल. इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट ईच टर्म कहूं या कंसेक्यूटिव टर्म को, बात देखिए, अंडरस्टूड है. ईच टर्म मतलब कंसेक्यूटिव पोजीशन के हिसाब से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सही है साखन, आपने सही बोला जी. मैंने अभी तो d2 माइनस d1 किया था, जरूरी नहीं है d1 माइनस d2 भी कर सकते हैं. करके देखो आप, 2 माइनस, माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4. देखो 3 में से 4 गया, कितना आया -1, कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है. तो जिसको जिससे घटाओगे वही आंसर, जरूरी नहीं. मैंने यहाँ पे d2 माइनस d1 किया था इसीलिए आंसर d2 माइनस d1 आया. मैं अगर d1 माइनस d2 करूंगा तो d1 माइनस d2 ही आएगा. क्लियर, डन. नाउ लेट्स मूव टू द डीपीटीज. यही था, यहां तक हमें कल पढ़ना था. इंट्रोडक्टरी लेक्चर थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो गया, साइंस के बारे में भी बता दिया आप लोगों को, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन पक्का हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं. लेकिन एक अच्छा काम किया ना साइंस के बारे में जान करके, ठीक है. चलो लेट्स मूव टू द डीपीटी.
ऑनलाइन वाले बच्चे उम्मीद करते हैं डीपीटीज दे रहे होंगे ना, और दे रहे हैं तो बिल्कुल ना शेयरिंग स्क्रीन बताएंगे। बताने से पहले 10 के बाद से अगर कोई सवाल पूछना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार दोबारा करो, क्योंकि अब आज मैंने पढ़ा दिया टॉपिक, फिर पूछो अब सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 कोई बच्चा पूछना चाहता है तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 वाला भी अब खुद से करो, एक बार खुद से करो आप। 10वां नंबर सवाल देखो, देखते हैं बच्चे बोल रहे गलत आंसर है आपका। अभी ऊपर वाले तो एकदम लड़ गए, भाई क्या बोलते गलत आंसर। मैंने कहा अच्छा लो देखो आप जरा गौर से, ए बी सी डी का कॉमन डिफरेंस -20, यहाँ पे लिखा है 2, 2, 2, आपने कर दिया -20 का डबल -40। अरे जरा गौर से तो देखो, मैंने उलट भी तो दिया है, तो डी सी बी ए भी किया तो -20 का कॉमन डिफरेंस 20, अब 2 मल्टीप्लाई किया तो 40, इसीलिए आंसर 40। समझ में आ गया? चलो नहीं समझ में, ये देख एबीसीडी का कॉमन डिफरेंस -20, अब पहले देखो उल्टा है, मैंने डी सी बी ए किया तो अब हो गया 20 और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 तो हो गया 40। अभी तो बताया सेम, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिक्कत आ रहा, समझ गया क्यों दिक्कत आ रहा, ऊपर वालों को भी आ रहा था दिक्कत, ठीक है जरा क्वेश्चन नंबर 13 को सीखो। अगर ये एपी में है तो भाई कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो भाई सिंपल है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1/(x+3) में से घटाएंगे 1/(x+2) को, और 1/(x+5) में से घटाएंगे 1/(x+3) को, और दोनों को आना होगा बराबर। अब आप लोग का अंतरात्मा ध्वस्त, कैसे भाई देखा सवाल मस्त हुआ क्या, आपने किया खट खट खटाखट, बन गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व ही ना हो रहा, जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो सॉल्व करना सिखाऊंगा मस्त तरीके से। फिलहाल जादू मंत्र सीखना चाहते हो? Yes, सीखो नवाब सर का दूसरा चैप्टर ट्रिक, द चैप्टर ट्रिक नेम इज ऑब्जेक्टिव ट्रिक, नवाब सर का सबसे फेवरेट ट्रिक, हर चैप्टर में जाकर के लगेगा। सुनना बच्चों बड़े गौर से, हर चैप्टर में जाकर के लगेगा। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने मत जाओ, अगर आंसर 5 है तो 5 पटकने से सेटिस्फाई करेगा। 5 पटकते हैं, 5 और 3 8, 1/8, 5 और 2 7, यहाँ 5 पटका 1/10 और 1/8, चेक करते हैं नवाब सर का। खट 7 - 8 - 1/56, खट माइनस खट -2/80 - 1/40, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो 5 आंसर, 3 भी चेक करते, 2 भी चेक करते, और जो आंसर उसको जरा चेक करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। एक पटका तो कितना आया 1/4, एक पटका कितना आया 1/3, एक पटका तो 1/6, एक पटका तो 1/4, आपका खट खट खटा खट मेथड आपको बहुत जल्दी फास्ट करा। तो 3 - 4 - 1/12, 4 - 6 - 2/24, आ गया -1/12। काहे परेशान हो रहे हो मेरे यारा, आंसर है सी। कितनों ने ऐसे किया? तो आप नवाब सर का ट्रिक पहले जान लो, आपने कितना टाइम बचा लिया अपने आप को पता है। हो सकता है ये क्वालिटी का आपसे सॉल्व ही ना हो। सही तो, जी सर 2b = a + c वाले इक्वेशन से ही बन गया था सर। नहीं अरे इनडायरेक्टली 2b, ये वही तो है, आप इधर ले जाओगे इसको इधर ले जाओगे तो करोगे तो वही 2b = a + c तो हो वही रहा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा दोस्त क्वालिटी को। और क्वालिटी हो सकता है ना बने, x² कैंसिल हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, और वही हो रहा है कि कैंसिल ही हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि आंसर एक ही आ रहा है, तो पक्का कैंसिल हो रहा है, कैंसिल ही हो रहा है, क्वालिटी भी नहीं बनेगा। सर एक बार और बता दूं, अब एक बार आप रिकॉर्डिंग सुन लेना दोस्त, क्योंकि मेरे को अगला टॉपिक ही पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में कोई सवाल? सर क्वेश्चन नंबर 7, बहुत गलत सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9, और चीज जरा सुन ले आप, क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाले से पहले एक नया रूल मैं इस साल लेकर आया हूँ डीपीटी को लेकर के, खासकर क्योंकि मुझे पता है इंट्रेंस में बहुत कम टाइम है। तो लास्ट ईयर भी हम लोग करते थे, हम लोग ना एक टेलीग्राम एक मॉनिटर बनाते थे, जो अच्छा बच्चा होता उसको मॉनिटर बना देते थे। वो क्या करता था, डीपीटी के सॉल्यूशन को पूरा करता ही करता, ऑनलाइन वाला बच्चा पूरा अच्छे से सॉल्व करता ही करता है, उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देगा ताकि जिसको भी कोई दिक्कत है, नन्हे मुन्ने जो 7वां पूछ रहे हो, ऊपर का कोई भी बच्चा 7वां सवाल नहीं पूछा, एमसीक बैच, लेकिन आप 7वां सवाल पूछ रहे हो, आप वो सवाल पूछ रहे हो, 13वां सवाल किसी बच्चे ने आज तक नहीं पूछा, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हो, मतलब बेसिक्स में थोड़ी कमजोरी चल रही। तो आप लोगों के लिए, अब बच्चा नहीं करेगा, हमारी डॉट फैकल्टी बहुत शानदार है, शाहिद सर है, कभी कभी आपकी वो डॉट फैकल्टी क्लासेस लिया करेंगे मेरे जितने ट्रिक्स है ना, उनके पास भी धमातोड़ ट्रिक्स, काहे
वो बंदा खुद एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी मतलब फिक्स में काम चलता है वहां चीजें, तो वो क्या करेंगे, मैंने उनको बोला है कि वो ना डीपीटी का पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम पे अपलोड कर दे, सही। तो जिसको भी कुछ सवाल से दिक्कत है तो वहां देख ले, ताकि हम क्लास में अपना कम सवाल और वो जो ट्रिक वाले सवाल हो ना, हम वही सवाल से डिस्कस करें, सही डिसीजन है। टाइम बचेगा तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे ना, क्लास में ज्यादा सवाल कर पाएंगे आप। तो आप लोग फिर भी पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, क्यों इसे ध्यान रखना, आप ऐसे बच्चों वाले सवाल ना पूछो। अगर ये एपी है, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, सॉल्व कर लो, आ गया के की वैल्यू। क्या कर रहे हैं आप, इतना आसान सवाल पूछ रहे हो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सातवां सवाल, अभी यार हाथ में कैलकुलेट कर सकते हो आगे जाकर के कि क्या होने वाला है, ठीक है, नहीं होगा, अभी देखेंगे एक ट्रिक। कोई और सवाल, 17, अभी तो सिखा दिया अर्थमेटिक मीन इज एग्जैक्टली एवरेज, तो आप पहले प्राइम नंबर दो से शुरू हुआ, 2, 3, 5, 7 और 11 जोड़ दो, कैलकुलेट कर लो आगे। ये बताने वाली चीज था क्या, हो सकता है इस वर्ड को लेकर के कंफ्यूज थे आप। और कोई सवाल नहीं, कोई सवाल और, पक्का डन, और कोई सवाल बच्चों ने पूछा भी नहीं। नाउ लेट्स राइट टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर एनएफ टर्म ऑफ एन एपी, एनएफ टर्म ऑफ एन एपी, इसका लिंक टेलीग्राम के लिंक ऑलरेडी आपके ग्रुप में रिसोर्स सेक्शन के डिस्कशन में लगा हुआ, तो आप जाकर के एक बार डिस्कशन चेक करो, क्या नाम है, निशाब कुमार, ऋषभ, आप एक बार डिस्कशन चेक करो दोस्त, सब टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लगी हुई आपके साथ। हाँ बच्चों, एनएथ टर्म ऑफ एन एपी, मजेदार टॉपिक, थर्ड टॉपिक है हमारा, है ना, एनएथ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का एनएथ टर्म, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं, एन या टीएन भी बोल सकते हैं। आप सबको इसका फॉर्मूला प्रूफ पे जाते जो होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं ना, आप जानते हैं एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। अगर एन ये है तो क्या आप ये बता सकते हो एपी क्या होगा, पी प्लस, ना गलत नहीं है, फर्स्ट टर्म तो हमेशा फर्स्ट टर्म ही होगा मेरे दोस्त, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये सब चीजें यूज होंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं p प्लस qth टर्म बताओ, तो a प्लस p प्लस q माइनस वन इंटू डी, ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा थर्ड टर्म बताओ तो थर्ड लिखना जानो, इन वेरिएबल में भी आपको लिखना आना चाहिए। ये सब जानते हैं, इस an को हम लोग nth टर्म बोलते हैं, जिसको इनडायरेक्टली जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। इस a को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सही है। इस n को हम लोग नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, कि कौन सा टर्म के बारे में आप बात कर रहे हो। और ये d तो सबको पता, दिस इज, इस नंबर ऑफ टर्म को लेकर मेरे दिमाग में एक बात है कि ये नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर होता है। कभी मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा दृढ़वा टर्म कौन सा, सेम गोस सीक्वेंस में जो रूल था वो यहां भी चलेगा, समझ गए। थ्योरी में इतना करते हैं, सवाल जल्दी से उतारो थ्योरी। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, नेचुरल नंबर एक से लेकर सौ, एक से लेकर इनफिनिट तक चलता रहेगा। वो क्या हुआ, नहीं आता, क्या बात करो, इंट्रेंस कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, एन नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं एन के बारे में बात कर रहा हूं दोस्त। क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर वन, चलो इसी पे एन पे ही सवाल करा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर, इज 301। पहला सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे हैंड रेस कर देंगे जैसे उससे हो जाए, ऑनलाइन वाले बच्चे चैट सेक्शन में, है ना, रूल्स एकदम क्लियर, आंसर चिल्लाना नहीं है, उससे क्या होता है जो बच्चा पहली बार ट्राई कर रहा है ना उसका डिमोटिवेशन आता है, यार इसने आंसर बता दिया, ठीक है। तो मेरा शुरू से रूल है, आपको आता है फट से आंसर चेक करेंगे, जो आंसर बताएगा उसको मैं जज करता चाहूंगा कि उसकी कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी है, इसीलिए क्लास में रूल में पार्ट रहे, क्लास में आप जब भी हो आप ना बिल्कुल जवाब दिया करें। Is 301 a term of the AP? AP का क्या ये टर्म है? 3, 8, 13, 18 क्या ये इस AP का टर्म है? Yes or no? Which term of the AP? No sir. बिल्कुल, आपने N निकाला होगा और N जो आया होगा वो डेसिमल में आया होगा, तो आपने बोल दिया क्योंकि एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई एपी का टर्म नहीं है। जिनसे बन गया दूसरा सवाल करें, एक मिनट का
ब्रेक, ब्रेक मतलब कुछ नहीं, आप उतारो मैं अपने ब्रेक दे रहा हूं। चलिए यस और नो में जवाब देना था इस सवाल का। इज 301 अ टर्म ऑफ एपी 38 13 और 18? तो आपने क्या किया, आपने इसका पहला टर्म ए बोला, हमने मान लिया ये इसका टर्म है, चलो 301 को इसका एक टर्म मान लिया, ठीक है, सुनना बड़ी गौर से। तो और ये फर्स्ट टर्म मेरा है ए, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो ए को पटका हमने 3, और एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, बताना एन की वैल्यू कितनी आ रही है 60.6, इतना तो नहीं आ रहा होगा, 3 माइनस करेंगे 60.5 आएगा, और माइनस यानी प्लस का 1 हो जाएगा, 2 का 25 का 5 आएगा, और 48 का 9 आएगा, 0.6 प्लस 1 60.6 आ रहा, एन की वैल्यू डिसिमल में आई, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी। जादू मंदिर सीखना पसंद करोगे, लो सबसे पहले सवाल से जादू करना शुरू करते हैं, ये वो जादू है जो 1500-1600 जो मेरी ट्रिक है ना उनमें से एक, यहाँ पे चीजों को सीखना नहीं है, रटना पड़ता, थोड़ा याद रखना पड़ता। चलो इधर देखेंगे सब लोग गौर से, पहला ट्रिक सीख रहे हो आप मेरे से, यार एपी के टर्म या तो 3 है या तो 8 है, या तो 3 है या तो 8 है, या तो 3 आएगा या तो भैया या तो 3 और 8 तो है ही नहीं, पक्का इसका टर्म नहीं होगा, नहीं समझ में आया क्या, टाइम टू वेस्ट कर देता है, ऐसे ही समझ आता, अभी सीखेंगे आप धीरे धीरे ना, ये 1500 में से एक कम हो गया, अब क्या ना तुम लोगों को 1499 ट्रिक। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 2, यस आंसर इज 35। व्हिच टर्म ऑफ द एपी दिस इज -81? तो आपने क्या किया, आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको ए एन दे रखा है, ए आपको पता है, बी आपको निकालना पड़ेगा -3, तो बस आप ए एन को वैल्यू पटके -81, ए के जगह पे 21 पटका, एन के जगह पे आपको पता करना है -1, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। स्कूल के एग्जाम में आप लिखते थे हियर वी हैव ए एज दिस एंड यूजिंग द फॉर्मूला दिस, ये सब दौर गया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने का है, हाँ तो वही मैं कर रहा हूँ, तो सॉल्व करने से एन की वैल्यू कितनी आती है 35, कर दो सॉल्व बन जाएंगे सब, तो आंसर इज 35। चलो लेट्स मूव टू द अच्छा क्वेश्चन, अब अच्छे सवाल करेंगे, डन 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 डन, आ रहा बढ़ जाए आगे आ रहा है ना, चलो 35 आसान सवाल, दो सवाल बस। अच्छा आपको जरा ये भी बात बताते चलो, ये जो फॉर्मूला एन टर्म का, इसमें 4 वेरिएबल एन ए एन और डी, 4 में से कोई भी 3 दे देगा चौथा पूछ लेगा, तो 4 सवाल तो ऐसे ही बन गया, 4 में 2 मैंने करा दिया, एन निकालने वाला और आपका यहां भी एन ही निकालने वाला था, दोनों एन वाला ही हो गया, लेकिन अच्छा सवाल थे, मिस मस्त सवाल, तो अब याद से शुरू हुआ है, बताएं चिल्लाएंगे नहीं, हैंड रेस करेंगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रहा हूं मैं, उसका पहला निगेटिव टर्म बताओ कितने नंबर पे आएगा, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम सॉरी ऑप्शनल एक्सरसाइज में दे रखा सर, एमयू में 2 बार आ चुका, किसी ने माइक ऑन कर लिया, ऑफ कर ले प्लीज, फर्स्ट निगेटिव टर्म, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बिल्कुल नहीं कर पाए, जिसको पता है वो करे, हिंट दे दू, हिंट दे दू, हिंट हिंट दो, आप बस ये पता कर लो 0 इसका कौन सा नंबर का टर्म, तो उसके जस्ट अगला वाला पहला नेगेटिव टर्म, वही सेम कॉन्सेप्ट 0 को लेकर चलो, 0 पता करो इसका कौन सा टर्म है, नेगेटिव टर्म 0 के बाद ही आता है, ठीक है, वहां से हेल्प मिल जाएगा आप। ऑनलाइन वाले बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं, यासिर गलत आया दोस्त, अदनान का सही है, चंदन का भी सही है,
यमुना फारूक उसका भी सही है, कंशिका गलत है, अदनान तुम्हारा सही है। देखो तो ऑनलाइन वाले बच्चे बड़ा शानदार जवाब दे रहे हैं भाई। इतने देर में बन जाता है, आते हैं बेसिक से करते हैं। जीरो को इसका टर्म मान लेते हैं, मान लेते हैं जीरो इसका टर्म। मेरे ट्रिक अभी जो मैंने सिखाया उससे क्या लगता है, जीरो इसका टर्म आएगा कि नहीं आएगा? देखो आईक्यू आपका, आपका किडनी बोल रहा है क्या, चार चार का फर्क है, 120 होता तो चार का मल्टीपल में जीरो दिखता, 121 है तो नहीं आने वाला है। देखते हैं ना भाई कितना आसान सीख गया आप लोगों ने, है ना। ये देखो तो ये ए है हमारा 121, एन का पता करने जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का चार, यहां से एन जब सॉल्व करेंगे तो 31.25 आता है। डिसिमल में एन आने का मतलब हुआ जीरो इसका टर्म नहीं। तो भैया अब ये बताओ मेरे दोस्तों, जीरो अगर इसका टर्म नहीं है तो जो पहला निगेटिव टर्म आएगा इसके जस्ट अगले बाद वाला आएगा, तो भाई इससे पहले वाला 31वां टर्म होगा जो कि पॉजिटिव होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना। जीरो तक पता कर लो, उससे जस्ट पहले वाला जो होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म होगा। तो पहला निगेटिव टर्म कौन सा जाने वाला है, 31 तो इससे पहले का पॉजिटिव, तो अगला वाला ना होगा निगेटिव, तो इसीलिए आंसर इज ऑलवेज जस्ट अगला, जस्ट अगला, अगला नेचुरल नंबर, इसके बाद का जो भी अगला नेचुरल नंबर है आंसर वही है। एग्जांपल के तौर पे एन को सॉल्व किया वो 65 आया तो आंसर क्या होने वाला है, 66। समझ में आ गया, ये ध्यान रखने का, क्लियर। उतारो जल्दी बेसिक, ये भी एक चाहिए, ये जो काम कर रहा बहुत सही। आप नवाब सर का ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी चला सकते हो, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से आंसर अगर ये है तो इनके जगह इसका वैल्यू पटको, देखो क्या वो निगेटिव दे रहा है, फिर 31 पटको, फिर 32 पटको, लेकिन इट विल टेक टाइम। नहीं सर, मैं कॉमन डिफरेंस जैसे 38 कम होगा तो फिर माइनस, ये भी चला, अच्छा चार चार प्लस करके भी जा सकते, उससे ज्यादा अच्छे से देखो ना नवाब सर भी बाकी है। क्या हुआ बेसिकली, उतार लिया आपने, बेसिक जरूर सीखेंगे हम लोग। नवाब सर का एपी का पहला ट्रिक, मैंने आपसे क्या बोला था, हर चैप्टर के लिए मैंने दो दो तीन तीन ट्रिक बना रखे। एपी का पहला ट्रिक जो दो तीन साल पहले मैंने याद किया और मुझे क्या पता था ये पिछले साल ही काम आ जाएगा, नवाब सर के ट्रिक में नैप्स लिखना जरूरी ना, अपन नैप्स ट्रिक्स, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम नैप्स ट्रिक रखा। फिंगर टिप कैलकुलेशन ट्रिक, ये कैसा ट्रिक है सर, एमयू में आया सवाल इसी तरह का कुछ था, 20, 16, 12 एंड सो ऑन इज द एपी, देन द टर्म विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ए बताओ ये फॉर्मूला तोर्मूला चलाने का आए जाए, हाथ में कैलकुलेट करते ना, 20, 16, 12, 8, 4, 0 और पहला नेगेटिव टर्म कितने नंबर पे आया, -4, दैट इज कितने नंबर पे हो गया आंसर साहब, समझ में नहीं आया क्या, जैसे सवाल आया इस तरह के सवाल आपने स्ट्रिक से कर लिया, अगर सवाल आया 3, 5, 1, 3, 5 से लेकर ये 11 इसका कौन सा टर्म, अबे इतना दूर थोड़ी जा रहे हैं, हाथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये फिफ्थ हो गया, सिक्स होगा 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ऐसा एमयू ने कितने बार तो नहीं करता है, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्मूला चलाओ आप हाथ पे भी, बचपन में गिनते थे 2+3, तो ये काम आप अभी भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई द नेम इज, नाम जरूर लिखो फिंगर टिप, और भी जगह जब जब आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, नसीब में सबको बांट दीजिए, फिंगर टिप कैलकुलेशन ट्रिक। जल्दी आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है हम लोगों की, ये और मजेदार सवाल है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रिक मजा अभी आएगा नहीं मजा ना, क्योंकि सवाल में लगा नहीं, जब लगता ना तो अभी, अच्छा अगर लगाऊंगा तो मैं 2021 का सवाल कराना पड़ेगा मेरे को, मैं नहीं चाहता कि अभी करवाऊ, अपन करेंगे ना बूस्टर में, तो जब आप लास्ट ईयर के सवाल में ट्रिक लगा के सॉल्व करोगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, 20th टर्म, एनसीईआरटी का सवाल,
द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से या लास्ट से ऑफ द एपी, इस एपी के पीछे से 20वां टर्म बताओ। एपी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन 253 तक। ऑप्शन दिया मैंने 160, 158, 156, 152। एनसीईआरटी का आंसर याद है क्या? ये गलत बात है यार। इस सवाल को करने का मैंने आपको बताया, किसी सवाल को करने का सबसे आसान ट्रिक है रटो मत, आंसर याद हो, ठीक है? तो आंसर जिसको याद है एनसीईआरटी का, पता है एमयू में जब आया था इस तरह का सवाल, सेम सवाल, हाँ सेम ही आया, दो बार आया इस तरह का सवाल, तो समझ लो आप अच्छे सवाल कर। एक मिनट का सवाल है, एक मिनट। एनसीईआरटी ने पता है सवाल के दो दो तरीके बता रखे, मेथड वन मेथड टू, दोनों डिस्कस करेंगे अपन। आज हम लोग एन तक पढ़ लेंगे, और एन तक पढ़ने से ना आप लोग 12, 13, 14 तक सवाल कर सकते हैं। इनफैक्ट एन तो एसएन तो आप लोग पढ़े हुए, एसएन तो आप लोग स्कूल में पढ़े हो, ट्राई करना ही पड़ी पीटी। मेरे को लग रहा है जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं ना, हम लोग एसएन का थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, ठीक है? एसएन थोड़ा सा पढ़ भी लेने वाले हैं। चलो हाँ भाई, मैं ट्राई करूँ या आप ही करना है? हो गया ना, बस चलो पहले आसान वाला तरीका बताता हूँ, आसान वाला। आंसर इज बी, सही है, आसान वाला तरीका बताता हूँ आसान। अरे यार आपसे बोला पीछे से 20वां निकालो, एपी उलट दो, कॉमन डिफरेंस आ रहा प्लस 5 का, तो ये हो जाएगा 253, 248, 243 एंड सो ऑन 18, 13, 8 और 3। अब आप आगे से 20वां निकालना है तो खत्म कहानी, एन के जगह कितना पटकेंगे? पहला टर्म कॉमन डिफरेंस अब कितना हो गया माइनस का 5, तो आपसे 20वां टर्म पूछा गया है, 20वां 253 प्लस एन के जगह 20 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 1 माइनस 5, सॉल्व कर लो पक्का कितना आ जाएगा। पहला तरीका सुने, दूसरा, दूसरा को सीखने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अ थिंग, इधर ध्यान दे सब लोग, इधर ध्यान दे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 मैंने लिखा है। आपसे अगर मैं पूछ रहा हूं ये बताइए कि इसमें 8 आगे से कितने नंबर है, 4, अच्छा टोटल कितने टर्म है, सही से देखो कितने हैं, 7। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 पीछे से कितने नंबर पे है, तो आप फोर का ही बोल रहे भाई, 7 में से आगे से घटा देंगे तो आ जाएगा ना आंसर, नहीं आता है। यही बात आपको बतानी है कि अगर आपको टोटल पता है, आगे से आपको पता है, तो आपसे पूछा जाए वो वाला नंबर पीछे से कितने नंबर पे है, तो टोटल में से आगे घटा दो तो ये आंसर नहीं आता, आप हमेशा एक ऐड करना पड़ता है। समझ में आया? तो ये सेम कॉन्सेप्ट उल्टा के लिए भी है। अगर मान लीजिए मुझे आगे से पता है टोटल 7 है, और पीछे से पता है कि 4 है, तो आगे से कितने नंबर पे, 7 माइनस 4 प्लस का 1, आंसर तभी आएगा, ठीक है? तो क्या किया एनसीईआरटी ने, बोला वी हैव अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड क्या है कि भैया इस एपी को चचा को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और आप ये पता करो इस एपी में टोटल टर्म कितने हैं। तो बच्चों ने मुझे पिछले बैच में बताया कि कितने आ रहे हैं, एन की वैल्यू 51 आती है, एन की वैल्यू 51, टोटल 51 टर्म है। कैलकुलेट करो एन के फॉर्मूला से यार, इसको एन के सब करो, उसके बाद क्या टोटल 51 है, आपने पीछे से 20वां पूछा है ना सर, तो 20 घटा दिया तो कितना आया 31। तो हम ये क्यों ना पता कर ले वो जो नंबर के बारे में आप बात कर रहे हो, वो जो नंबर है वो आगे से कितने नंबर पे है। तो 51 में से 20 घटाया कितना आया 31, क्या वो 31वां टर्म होगा, क्या होगा वो टर्म 32। तो प्लस का 1 किया, यानी इनडायरेक्टली ए 32 निकालना है इस एपी का, समझ में आ रहा है? तो एपी का 32वां टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 32 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आगे से कितना है 5, सॉल्व कर लो पक्का आंसर ये आएगा। बस मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाना था, दैट्स व्हाई अल्टरनेट मेथड मैंने आपको बताया।
मेथड थ्री तो जाओ नवाब सर को पहले बता लेने दो, कह रहा सर एक और तरीका पहले मैं बता लूं उससे हट के कोई मिले तो बताना अच्छा लगेगा मेरे को। मेथड थ्री काहे चल रहे हो सर ऐसा दाया बाया? आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा का फॉर्मूला चला एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, डायरेक्ट फॉर्मूला कहता है कि भैया पहला टर्म पटकने से बढ़िया आखिरी टर्म पटक दो, माइनस कर दो, पीछे से बोला ना तो एन की जगह पीछे वाला ही पटको माइनस वन, और काहे उलट करके डी निकाल रहे हो, आगे से जो डी आ रहा है ना वही पटक दो, दौड़ते हुए आंसर आएगा, यही था का तुम्हारी भावना पहले से समझ गए यार। ठीक है तो आंसर इज हाउ मच 150। सबको समझ में आ गया तीन तरीके, सबको साइड करो, नवाब सर का ये ट्रिक सीखो। हाँ भाई अरे देखो तो इधर सर सवाल को करने का ताम जाम काय कर रहा, अभी आप थोड़ी देर पहले एक जादू मंत्र सिखाया। पहला सवाल टर्म में तीन आठ तीन आठ तीन आठ तीन आठ, यानी जो भी टर्म है उसमें या तो तीन आ रहा है या तो आंसर जो भी आएगा उसके आखिर में या तो तीन या तो एक ही में आंसर, ये काय खामोशा टाइम वेस्ट कर रहे। एक और ट्रिक सीखना है, लो एक और सीखो नैप ट्रिक ने चैप्टर, ये चैप्टर ट्रिक है, ये भी मैं बहुत जम के यूज करूंगा, एलिमिनेशन ट्रिक। ये क्या है सर? गौर से नहीं ऑप्शन अभी नहीं चलाएंगे आपने इस ट्रिक में, मत यहाँ पे मत आओ यहाँ पे, अब मैं आपको इसको कहीं और सिखाऊंगा। उससे पहले आप एक बच्चा ने अभी जस्ट पूछा मेरे से है मास्टर ये बताओ ऑप्शन में 153 भी हो सकता, तो मैं बता रहा हूं आपको, देखो आप ये बताओ थ्री है अगर पीछे से पहले नंबर पे तो अगला आ रहा है एट दूसरे नंबर, यानी ऑड प्लेस पे तीन आ रहा है और इवन प्लेस पे, और 20 इवन है या ऑड, तो पक्का आंसर आठ वाला। सर अगर मान लो एक ऑप्शन में 168 भी दे देता है आपका ट्रिक फेल है? मैंने कहा बिल्कुल फेल, इसीलिए तो आपको बेसिक भी सिखाता कि भैया सवाल करके तब भी, और इतना ट्रिक इतना किडनी उधर नहीं है। ठीक है 12 साल 13 साल से पेपर एनालाइज कर रहा हूं, मुझे पता है वो किस लेवल का सवाल पूछेंगे। अभी आप देखना ना ये जो ऑप्शन है मुझे याद आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं देखा नहीं मैंने, शायद यही सेम ऑप्शन आपके एमयू में आया। अच्छा लो अभी आपको मैंने फिंगर टिप कैलकुलेशन ट्रिक्स का है ना जो कि इसमें चला के दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो मैं पीछे से चौथा टर्म पूछूं तो क्या इतना मेहनत करोगे आप? 253 248 243 और 238 आ गया आंसर, फिंगर टिप कैलकुलेशन ट्रिक। तो आप एक ट्रिक सीख रहे हो और उसको कहां कहां अप्लाई कर रहे हो, ये है जादू मंत्र नवाब सर का चैप्टर ट्रिक। जल्दी से उतारो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पोजीशन के हिसाब से देखो आप, मुझे पैटर्न चल रहा है ना 3-8, हमने पैटर्न की चलाकी लगाई, 3-8 3-8 तो पक्का 3-8 आएगा। मान लो आ रहा है दो, चलो एक और एग्जांपल तेरे हिसाब से 2 4 6 8 12 एंड सो ऑन करके मैंने चला गया 200 तक, और आपसे पूछा बताओ इससे पीछे से 50वां टर्म क्या होगा। ठीक है सुनना, इतना तो मुझे पता है 50वां टर्म जो भी होगा उसके आखिरी में या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 2 भी या तो 4 या तो 8 आएगा। अब आपके पास चार ऑप्शन, तो अगर ऑप्शन में 3 7 और 9 वाला हो और एक ऑप्शन वो हो तो हम छाट सकते हैं, पक्का आंसर वही है, समझ रहे हो? तो ये चलाकी है ट्रिक। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 इवन एनसीईआरटी का विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बेसिक वाले सवाल नहीं कराया मैंने, डीपीटी में डाल दिया वैसे, तो डीपीटी में बेसिक वाले सवाल आपको मिल जाएंगे और तगड़े और अच्छे वाले भी मिल जाएंगे। एक मिनट के लिए पक्का सवाल
तुमने ट्रिक चलाया, बिल्कुल इतना जल्दी तो ट्रिक से किया जा सकता है सवाल, मेरे लिए 5 सेकंड का सवाल है, अब बेसिक से तो 1 मिनट लगेगा। Done. सही है, चेक करें, देखना इधर। मेथड वन, आपसे बोला गया इस एपी का वो टर्म बताओ जो इसके 54वां टर्म से 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो आप इस एपी का 54th टर्म निकालोगे, है ना, तो ये आएगा 3 + n 54 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 12, सॉल्व करके 54 टर्म आता है 639, ऐसे टाइम बचा रहे हम लोग, ना आप फाउंडेशन बैच में आते हैं ना, पूरा सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सही है ना, कर रहा हूँ, इसे बात है ना आप लोग को। चलो अब इसमें बोला कि 132 जोड़ो कितना आएगा 771, अब ये पता करो इस एपी का कौन सा टर्म, तो ये 771 को एन मानते हुए ए के जगह 3 पटका, एन नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 12 पटका, सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आती है 65, आंसर 65, ट्रिक नहीं है, बेसिक से ये, ये बेसिक्स आपको ऐसे ही करने का, मैं कभी भी किसी सवाल को पहले बेसिक से बनाए बिना ट्रिक पे आऊंगा, और क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं तो मैंने आपकी मैथ्स बहुत अच्छी कर, ट्रिक से मैं आपका एंट्रेंस आसान कर रहा हूं नो डाउट, लेकिन मुझे आपको मैथ्स भी सिखाना, आ जाओ जादू मंत्र सीखे क्या, इधर देखेंगे 132 अगर हम जोड़ रहे हैं इसमें तो पक्का मैं 54 में 132 जोड़ने का मतलब मैं उतना ही जोड़ूंगा जिससे ये एक टर्म मिले और एन की वैल्यू डिसिमल में ना जाए, तो पक्का ये जो 132 जोड़ा जा रहा है वो कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल जोड़ा जा रहा है, तो मैं ये पता कर लूं 12 से डिवाइड करके कि कितने टर्म जोड़े गए हैं, तो 54 में 11 जोड़ दिया, दौड़ते आंसर ले आया पैसे आए, सॉल्व करने जा रहे थे, इतनी पल्ले पड़ा गया, अच्छा ट्रिक मजेदार है तो एक बार और, वाह रे वाह, समझना 132 में अगर जोड़ रहा हूं तो मैं ऑब्वियस बात है मैं 54 टर्म में 639 में 12 जोड़ा, फिर मैं 12 जोड़ा, फिर मैं 12, ऐसा कितने बार जोड़ा, 11 बार जोड़ा ना, 11 टर्म, तो मुझे तो यही पता करना है कि वो कितने नंबर के टर्म में मैं पहुंच जाऊंगा, तो 132 को 12 से डिवाइड किया कितना आया, वो मैंने 54 में जोड़ लिया आंसर, इससे जादू मंत्र और आसान, सीखो नवाब सर का नायब ट्रिक एलिमिनेशन ट्रिक, 5 सेकंड का सवाल ये था। सुनो आप ये बताओ दोस्तों, एग्जैक्टली आप बोल रहे हो 54th टर्म निकालना है और उसमें 132 जोड़ो तब जाके जो आंसर आएगा वो बताओ, तो जो भी आंसर आएगा 54 से बड़ा आएगा, ये 54 से छोटा, ये 54 से छोटा, ये 54 छोटा, यही बड़ा आंसर, यही मैं आपको डे वन में आपको बता रहा था एलिमिनेशन ट्रिक, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, जो बचा है ये जादू मंत्र नवाब सर का, हाँ ये हुई ना बात, इसीलिए सिखा रहा हूं बेटा बेसिक्स सर, ठीक है सर, हाँ बोलो दोस्त, अगर सभी ऑप्शन 54 से बड़े हो तो, अरे यही तो अंग्रेजी ने बोला, अभी इसने बोला अगर 2 ऑप्शन 54 से बड़े हो जाए तो क्या, तो बेटा ये मेथड वन किस लिए है, और ये आप पूछते हो, आप ना निगेटिव फीडबैक वाले इंसान हो, हम क्यों सोचे ऐसा हो, खुदा ने खास्ता तो खास्ता खाओ, और ऐसे बना करके आओ, खास्ता खा के ऐसे बना करके आओ, क्लियर, लास्ट सवाल, मजेदार सवाल एक और है, करें जल्दी, क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा मजेदार है, फाइंड ए डी एंड ए पी, आप ए यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और एपी बताओ किसका, जिस भी एपी का हूज एन इज, उस एपी का अगर एन आपको ये दे रखा है एन इज 7 - n, एन इज 3n + 4, एन इज 6n और एन इज 5, एक मैं करता हूं ताकि आप लोग को आसान हो जाए, अगर फर्स्ट टर्म निकाला तो ये तो जनरल टर्म दे रखा है ना यार, तो
एन अगर फर्स्ट टर्म निकालना तो आपको एन की जगह क्या पटकने का है, वन, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, सात माइनस एक छह। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको पक्का पहला टर्म और दूसरा टर्म भी पता करना पड़ेगा। दूसरा टर्म निकालने के लिए एन की जगह क्या पटकेंगे, दो, सात माइनस दो कितना आया पांच। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, अगला माइनस पिछला, तो अगला पांच पिछला छह, आंसर आ गया माइनस वन। अब एपी आपको निकालना है तो बहुत सिंपल है, पहला टर्म छह फिर पांच, कॉमन डिफरेंस बार बार ऐड करते जाओ, आपको एपी बन के तैयार। ये सेम काम आपको इधर भी करना है, थोड़ा टाइम बचाता हूं। आप ना ए तो मेरे को सबसे आसान दिख ही रहा है, लो मैंने ए लिख दिया, तुम डी निकाल करके दिखाओ। निकाल भी ले तुम ना जल्दी, डी थ्री होगा पक्का, सच में। आप अगर इस सवाल को बेसिक से बनाओगे, कि नवाब सर का पहला था एपी का ट्रिक, इस एपी का ट्रिक का नाम दिया मैंने एएन ट्रिक। एपी के एएन में हमेशा काम आता है, क्या काम आता है सुनना। स्टेप नंबर वन पहले A1 निकालेंगे, स्टेप नंबर टू पहले A2 निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को घटाएंगे तब जाके कॉमन डिफरेंस आता है ना। ट्रिक सेज एन के आगे जो लिखा है वही आंसर, एन के आगे क्या लिखा है माइनस वन, कॉमन डिफरेंस माइनस वन। एन के आगे क्या लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस, एन के आगे क्या लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस, एन के आगे क्या लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस। समझ में आया तो प्रैक्टिस करें जरा, और बताना जरा मेरे को, सिक्स एन प्लस का फाइव कॉमन डिफरेंस सिक्स, माइनस का एन प्लस का फाइव फोर माइनस एन फाइव एन स्क्वायर प्लस का सिक्स एन प्लस का फाइव, एन के आगे क्या लिखा है आंसर छह नहीं है, बिकॉज कभी भी एपी का एस एन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो जब भी होगा तो लीनियर होगा या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ये बात अब मैं ट्रिक को लिख देता हूं, एपी का एन की शक्ल हमेशा लीनियर जैसी, जिसमें एन के आगे जो भी लिखा हुआ है वही इसका कॉमन डिफरेंस है। चार्जर बना दूंगा, ठीक है। तो ये है मेन ट्रिक, ये याद रखने वाली, करो ना। तुम्हारे पास 30 सेकंड है, मेरे पास 3 सेकंड है, ठीक है, मैं कब मना करूं। पांच दस मिनट एक्स्ट्रा दो तो थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा दूं एसएन का, ठीक है। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग पहले से, हल्का सा बेसिक बता दूंगा अगले पेज पे, बस एक पेज और कुछ नहीं। आप ना एनसीईआरटी अभी नहीं करेंगे जब तक मैं चैप्टर फिनिश नहीं करूंगा, एनसीईआरटी को झलक नहीं दिखाना है। आप डीपीटीज में एनसीईआरटी से अच्छे अच्छे सवाल मैंने दे रखे, इसलिए मैं बच्चों को लास्ट ईयर भी एक्स्ट्रा कुछ करो ना करो खाली डीपीटीज करते रहो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। जितना टाइम है आपके पास एडिशनल जो जो बोला हूँ सब करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। किसी के पास टाइम कम है, रोजा ज्यादा लग रहा है, तरावी भी पढ़ना है और भी चीजें, कुरान शरीफ भी तिलावत करनी है, उनके लिए ये सब करो, लेकिन डीपीटी क्लासरूम और आप जो नोट्स बना रहे हो उसको रिवाइज करना और संडे में जो टेस्ट होने वाला है उसका डिस्कशन करके जाने का है, ये सबसे प्राइमोस्ट इस एक महीने के लिए एकदम जरूरी काम। ठीक, हाँ दोस्त, मैंने आपने स्टार्टिंग का लेक्चर सुना होगा, मैंने आपसे हमेशा कहा था जिसने एडिशनल पढ़ा वो रैंक 1, 2, 3 लेकर के आया। एडिशनल पढ़ना हमेशा फ्रूटफुल है क्योंकि आपका एक्यूरेसी बचाएगा, आपकी टाइमिंग अच्छी करेगा, टाइमिंग इंप्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस जगाएगा कि आपने हार्डी भी किया है, ये भी किया है, वो भी किया है, तो आप हमेशा ऐसे, ठीक है। तो एडिशनल इज ऑलवेज हेल्पफुल। अब एक बच्चा बड़े मुश्किल से पढ़ रहा है, उसको मैं बोलूं आरडी भी कर आरएस भी कर, तो पैसे अल्लाह आप ही तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में कहता हूं हाँ भाई आगे डन।
उतार लिया सबने? Yes, ये ट्रिक बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा, लेकिन अभी आगे जाकर के बहुत मजेदार रोल प्ले करेगा ये छोटा सा ट्रिक, इसीलिए मैंने इसको पूरा चैप्टर ट्रिक बोला है। कल इतना नॉलेज रखना आपको और भी तरह तरह के सवाल बना करके देगा। मैं टाइम कम है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे 6 सवाल करा रहा हूँ। 10th फाउंडेशन के बच्चों को मैंने 12 सवाल क्लास में कराए, और तो जब करवाए हैं तो आप लोग को वो सब सवाल ऑलमोस्ट या तो डीपीटी में दिखेगा या तो टेस्ट पेपर में। तो जितना मैं पढ़ाता हूँ 10th फाउंडेशन में, वो ऑब्वियस बात है मेरे को इंटरेस्ट वो सब दिखाने का है, आपको सब वो बताने का है। ऑन द नेक्स्ट पेज लास्ट टॉपिक लिखेंगे 4th, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सबको पता है कि एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और इसका एक और भी फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एन। प्रूफ की जरूरत तो नहीं है ना, बस याद रखेंगे अपन ना। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी खास बात है, आपको जान करके एतराज होगा, इस एपी का इन्वेंट करने वाला एक 10 साल का बच्चा क्लास सिक्स में पढ़ने वाला। हाँ बिल्कुल, कहानी सुननी उसकी भी? Yes, सुनो कहानी। आइए मैं नया बात नहीं बोल रहा, ये बात आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एपी एक्सरसाइज 5.1 खत्म होता है, पेज नंबर जाता है 107, लेफ्ट साइड का पेज पड़ेगा नहीं राइट साइड का पेज पड़ेगा 160, एक्सरसाइज खत्म होता है। एक बड़ा प्यारा सा पैराग्राफ दे रखा है, डू यू एवर हर्ड ऑफ अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ 10 ईयर बॉय नेम्ड गॉस, उसके साथ क्या हुआ था ट्रेजेडी, जरा सुनो। मैम पढ़ा रही थी, अब मैम ने देखा दूसरे रूम में एक और मैम, अब जहाँ दो दो मैम तो पढ़ाई कहाँ होगी फिर, तो इशारों इशारों में बातें हुई, आओ मेरा गप्पे शप्पे मारते हैं। तो बच्चों को बिजी करने के लिए उन्होंने मैम ने दिया सवाल कि ऐसा करो बच्चों आप लोग ना 1 से लेकर 100 तक जोड़ करके दिखाओ। 6 क्लास का बच्चा 1 से लेकर 100 तक कैसे जोड़ेगा, 1 + 2 2 + 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 एंड सो ऑन। तो मैम गप्पे शप्पे मार के आ जाएगी। मैम गेट तक पहुंची, इतने में गौस बाबा कहे मैम आंसर इज 5050। मैम बोली फिर से कर, मैम को खुद आंसर नहीं पता था। तो बोला नहीं मैम बिल्कुल आंसर इज 5050। बोला कैसे किया तेरा देखा? बोला मैम देखिए आपको इसका सम चाहिए था ना, अब इसी सम को अगर आपने कहा ये एपी है कि नहीं, 1 2 3 4 इज एन एपी, वो एपी बना, अब एपी का कॉन्सेप्ट ड्राइव हो रहे हैं, 100 फिर 100 फिर क्या किया 99 फिर क्या किया 98। ये एपी का एक और रूल भी सीख जाओगे आप, यहाँ 99 है यहाँ 2 आएगा तो यहाँ पे मैम आप इन दोनों को जोड़िए। एपी का एक और पॉइंट भी आपके सामने, एपी के टर्म को उलट करके अगर जोड़ दो अपना तो यहां से सम 101, यहां से भी सम 101, यहां से भी सम 101, यहां से भी सम 101। ये बताना अगर इन सबको जोड़ू 101 कितने बार लिखा हुआ है, 100 बार, तो 100 × 101 कर दो। अच्छा सम एस प्लस एस कितना हो गया 2s, आपको s चाहिए या 2s, तो 2 से डिवाइड किया। मैम देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 50 मल्टीप्लाई किया मैम के साथ 50-50 खेल गया। यहीं से आपने जो SN का फॉर्मूला ड्राइव किया ना दोस्तों वो यहीं से निकल गया, समझ में आया? तो कल के डीपीटी में मैंने 7-8 सवाल इस टॉपिक से दिए, AN से ज्यादा दिए, ठीक है? लेकिन आप चाहे तो अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3 कर सकते थे, लेकिन अभी मेरे नवाब सर के अच्छे वाले सवाल आए नहीं है। कल हम लोग मेरी बैक टू बैक रोजाना क्लास है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। एक चॉकलेट सवाल हो जाए क्या? चलो चॉकलेट सवाल। आज पूरे क्लास में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहा? आज सबसे ज्यादा एक्टिव ये रहा ना, इसके जवाब बहुत अच्छे आ रहे थे। तो इससे सवाल है चॉकलेट सवाल, क्या नाम है तुम्हारा? अशर। अशर ये बताना दोस्त, ये एक स्क्वायर है, ठीक है? इस स्क्वायर के 2 इक्वल पार्ट करने हैं तो कैसे करो? तेरा नाम अशर है? डायगोनली करेंगे, बहुत सही। पुराना बच्चा ना इसलिए उसको सब आता है। आगे इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो कैसे करो? एक और डायगोनल, शांत रहे अभी आपका नंबर आ सकता है। अगर मैं इसको बोलूं अशर की इसकी 8 इक्वल पार्ट करने हैं तो कैसे करें? बीच में से एक लाइन काट दें।
सर डायगोनल का भी आप पढ़ करके ओरिएंटेशन सेशन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ये सब देखो उसके बाद फिर ये सब चैट सेशन में बात किया करो। हाँ भाई आर्ट इक्वल पार्ट करो अभी दोस्त जल्दी बताओ कोई और ट्राई करना चाहेगा तुम नहीं शांत रहो तुम उधर पीछे वाले ने सब खराब कर रखा हो तो पीछे वाला कोई नहीं आगे से बताओ गर्ल्स हाँ बताओ कैसे बहुत सही एक वर्टिकल ऐसे डाल दिया और एक हॉरिजॉन्टल डाल दिया ऐसे हो गया आर्ट इक्वल पार्ट। इसके ना नौ पार्ट करके देखो ना करवाओ सात पार्ट जा। अब मैं इस स्क्वायर का आपसे बोला भाई इस स्क्वायर के नौ इक्वल पार्ट करके ट्राई करो जरा तेरे को ना आके मारूंगा। पुराने बच्चे शांत अब पुराने बच्चे जरा सुन ले अगर आपको लगता है आपको बहुत आता है तो हम मिल बैठ लेंगे तीन यार आप मैं और मेरे सवाल फिर बताना तुम्हें कितना आता है ठीक है। तो क्या लगता है हो सकता है दो वर्टिकल डाल दिया और दो हॉरिजॉन्टल डाल दिया नौ बन सकते और शांत लेकिन सात करके देखा सेवन इक्वल पार्ट करके देखो ना बहुत अच्छा सोचा। तो ये मेरा ना जाने मैंने कितने बच्चों से पूछा है ये मेरा पहला सवाल होता है ये सवाल एक पैराडिग्म शिफ्ट का है दिमाग को बांधा मैंने आपको हाँ तूने सुन लिया पीछे से अच्छा ठीक है एक दो तीन चार पांच ऐसे करके इक्वल स्पेसेस में छह लाइन डाल दो सात इक्वल पार्ट हो। और इस छोटे से आईक्यू क्वेश्चन से क्या सीखा जरा सुनना ये समझो मैंने जब आपको ये सवाल दिया ना तो मैंने आपसे कहा कि आप इसी तरह कटपिट करते रहो और जब मैंने आपसे बोला कि इस सवाल को आप इसी स्क्वायर के सेवन इक्वल पार्ट करो आपने क्या किया इसी में से कटपिट करना शुरू किया और ये होता है हमारे एग्जाम्स के सवालों के साथ हम उन्ही सवालों में सवाल में कटपिट करके उलझ रहे हैं और सवाल तक पहुंच नहीं पा रहे सवाल को एक नए नजरिए से देखो इतना बड़ा सा सवाल है क्या लेना देना अंग्रेजी से भाई राम के पास इतना पैसा राम लिखा श्याम के पास इतना इसने इसको दिया भाई अंग्रेजी जो चल रही है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो काम काम के डेटा को साइड करो इस सवाल को अगर मैं सामने के स्क्वायर रखता और आप सोचता इसको सात इक्वल पार्ट करना है तो आपके सामने इसका जवाब दिख सकता अभी तक जितने बच्चों से ये सवाल पूछा हो नहीं बताया ऐसा नहीं शायद 20 से 25 बच्चों ने इसके जवाब दिए होंगे बाकी 20-25 हजार बच्चों ने नहीं जवाब दिए ठीक है। और ये कोई ऐसा वैसा नहीं ऐसे मेरे पास और भी बहुत सवाल है यहां से मुझे एक बात सिखानी थी वो यही था कि अगर कोई सवाल आपके सामने आए बड़ा सा अक्सर हमारे 10वीं क्लास तक मेंटिलिटी बनी हुई है बड़ा सवाल मतलब डर जाओ भाई डरने का बिल्कुल एक काम काम का डेटा निकालो और उसके बाद उसको सॉल्व करो क्लियर है इतना ही रखते हैं मुलाकात करते हैं कल चलिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़।